मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा का मंदिर। नवरात्रि प्रारंभ होते ही पहले दिन से ही यहां दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग गई हैं। पीताम्बरा पीठ का तंत्र साधना में काफी खास महत्व बताया जाता है। पीताम्बरा पीठ के संस्थापक पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज 1929 में दतिया आए और उन्होंने 1935 में देवी माँ पीताम्बरा के विग्रह की स्थापना कराई। देवी माँ पीताम्बरा को स्तंभन की देवी कहा जाता है। माँ पीताम्बरा शत्रु हंता हैं। देवी माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी भी कहा जाता है, इसीलिए बड़ी संख्या में राजनेता दतिया पीताम्बरा मंदिर में पूजा अर्चना कराने आते हैं। माँ पीताम्बरा मंदिर का देश में प्रमुख स्थान इसलिए भी है, जब 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तब मंदिर के पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें दतिया पीताम्बरा मंदिर में यज्ञ शुरू होते ही चीन की सेना पराजित होकर वापस चली गई। पीताम्बरा मंदिर में देवी माँ पीताम्बरा के अलावा तंत्र साधना की देवी माँ धूमावती सहित 5000 साल पुराना बनखंडेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो महाभारत कालीन है। देवी माँ पीताम्बरा मंदिर में तंत्र साधना से निर्मित हरिद्वार कुंड भी है। यहाँ देवी भक्तों को एक खिड़की से दर्शन देती हैं। नवरात्रि में माई की विशेष ये रहती है, लोग बड़े दूर दूर से आते हैं और यहाँ जप पाठ अनुष्ठान का विशेष महत्व है। लोग अपनी कामनाओं के लिए करते हैं और उससे उनकी कामनाएं सिद्ध होती हैं। और माई की जो है पीताम्बर माई की स्थापना 1929 में हुई थी। 1929 में गुरु जी यहाँ आए और 1935 में महाराज जी ने पीताम्बर माई की स्थापना कराई। उसके बाद जो है 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसमें महाराज जी ने युद्ध प्रारंभ किया और उस यज्ञ में माँ धूमावती माई का आह्वान किया गया। जिस दिन अपने यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति हुई उसी दिन चीन ने अपनी सेना की वापसी की घोषणा की। उसके बाद महाराज जी ने 1978 में माँ धूमावती माई की स्थापना कराई और उसके बाद 1979 महाराज जी भ्रमलीन हुआ और आज उसके बाद जो है ट्रस्ट इसका संचालन करता है। लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।